हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। आपको याद होगा 20 से 25 दिन पहले मैंने नोकिया 7.1 प्लस की एक वीडियो अपलोड करी थी जब वो फ़ोन चाइना में लॉन्च हुआ था। उस वीडियो में मैंने आपको उस फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई थी और आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप नोकिया 7.1 प्लस को इंडिया में लॉन्च होने से पहले उस फ़ोन की वीडियोज़ देखना चाहते हो। तो मुझे 2000 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए, आपने काफ़ी इंटरेस्ट भी लिया उस फ़ोन में और आपका भाई वादों और इरादों का पक्का है। तो अब स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग नोकिया 7.1 प्लस की। नोकिया 7.1 प्लस की। अरे दे दे भाई, नहीं दूंगा। एक सेकंड। आपके कहने पे फोन मंगवा तो लिया मैंने, लेकिन मुझसे लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया इस फोन के पीछे। अपने टीम वाले इस फोन को नहीं छोड़ रहे थे। कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं फोन कैसा होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। तो ये है हमारा छोटा सा हथियार और फोन का बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है नोकिया की ब्रांडिंग, पीछे की तरफ कुछ चाइनीज में लिखा है जिसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो इग्नोर करो। जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मिलता है फोन, जिसको एक बार मैं साइड में रखता हूँ। उसके नीचे आप देख सकते हो सिम इजेक्टर टूल दिया गया है और उसके नीचे हमें मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस, जो कि काफी अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है। उसके नीचे कुछ प्रेम पत्र मिल जाते हैं, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं जिनको चाहे तो आप पढ़ भी सकते हो। बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक और बॉक्स जिसके अंदर दी गई है यूएसबी टाइप सी केबल और उसी के साथ साथ एक चार्जर मिलता है जिसकी आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट 3 एम्प। दैट मींस ये एक क्विक चार्जर है। फोन के पीछे की तरफ ग्लास डिजाइन देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डुअल कैमरास है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f1.8 अपर्चर और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। साथ में डुअल LED फ्लैश भी मिल जाती है। फोन की फ्रंट साइड पे 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ एक नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है। नॉच का साइज मुझे थोड़ा बड़ा लगा अगर मैं कंपेयर करूँ नोकिया 6.1 प्लस से। नॉच के अंदर आपको कुछ सेंसर्स, ईयरपीस और 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल जाता है विद f2.0 अपर्चर। ये एक 6.18 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है, तो जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो वेल सैचुरेटेड देखने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिलता है, तो Amazon प्राइम और Netflix पे आप फुल HD रेजोल्यूशन पे तो वीडियो स्ट्रीम कर ही सकते हो। उसी के साथ साथ आप HDR10 कंटेंट भी स्ट्रीम कर सकते हो इस फोन में। इस फोन में आगे और पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी हमें दी गई है। इवन फ्रंट और बैक में जो ग्लास यूज किया गया है वो 2.5D कर्व ग्लास है, जिसकी वजह से फोन एक्चुअली में काफी प्रीमियम फील होता है। इवन साइड में जो फ्रेम है वो भी एल्युमिनियम का है, तो जब आप फर्स्ट टाइम इस फोन को होल्ड करोगे ना तो ये फोन काफी प्रीमियम फील होगा। फोन की बॉटम साइड पे प्राइमरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है। फोन की राइट साइड पे पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। फोन की लेफ्ट साइड पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी या तो आप दो सिम कार्ड इंसर्ट कर लो या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। फोन की टॉप साइड पे 3.5 mm ऑडियो जैक और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिया गया है। अब नोकिया 7.1 प्लस में जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है इस फोन का प्रोसेसर। इस फोन में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 मिलता है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी 2 कोर्स क्लॉक्ड है 2.2 GHz पे और बाकी की 6 कोर्स क्लॉक्ड है 1.7 GHz पे। ये प्रोसेसर 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलने के लिए इस फोन में हमें एड्रीनो 616 GPU मिलता है। आप देख सकते हो मैं PUBG HD ग्राफिक्स पे खेल रहा हूँ और HD ग्राफिक्स पे PUBG खेलते टाइम जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बहुत ही माइनर फ्रेम ड्रॉप्स आपको इस फोन में देखने को मिलेंगे, अदर देन दैट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कमाल का मिलेगा आपको। नोकिया 7.1 प्लस में 3500 mAh की बैटरी मिलती है जो क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करती है। बैटरी चार्जिंग टाइम कितना है और बैटरी कितनी जल्दी ड्रेन होती है ये हम फुल रिव्यू में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए फोन के पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी ज्यादा फास्ट तो है ही और ये काफी ज्यादा एक्यूरेट भी है। मेरे पास ये चाइनीज वेरिएंट है और इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन अलग से दिया गया है। फेस अनलॉक भी इस फोन का काफी फास्ट है और काफी रिलायबल भी है।
ये कुछ सेल्फीज मैंने कैप्चर करी है डे लाइट कंडीशंस में, और जैसा कि आप इस सैम्पल शॉट में देख सकते हो, मेन सब्जेक्ट पे मेरे फेस पे इनफ डिटेल्स देखने को मिली हैं। इवन जो स्किन टोन्स हैं वो भी काफ़ी नेचुरल है। इस फोन के फ्रंट कैमरा से आप पोर्ट्रेट सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हो, और जो पोर्ट्रेट मोड है इस फोन के फ्रंट कैमरा का, वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है, बिकॉज बैकग्राउंड में काफ़ी नेचुरल ब्लर देखने को मिला है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है। ये है कुछ मैक्रो शॉट्स जो मैंने कैप्चर करे हैं डे लाइट कंडीशंस में। मैक्रो शॉट्स कैप्चर करते टाइम इस फोन का ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क करता है। इवन आप ध्यान से देखना, मेन सब्जेक्ट पे इनफ डिटेल्स भी देखने को मिली हैं, और F1.8 वाइडर अपर्चर होने की वजह से बैकग्राउंड में काफ़ी नेचुरल बोके इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। इवन इस सैम्पल शॉट में आप देख सकते हो, डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लेता है, और डिटेल्स भी इनफ है। इवन जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफ़ी नेचुरल है। ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी थी पोर्ट्रेट मोड ऑन करके, और रियर कैमरा का पोर्ट्रेट मोड भी मुझे इस फोन का काफी अच्छा लगा है, बिकॉज ये एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है, बैकग्राउंड में काफी नेचुरल ब्लर देखने को मिला है, और मेन सब्जेक्ट पे इनफ डिटेल्स भी हैं। तो पोर्ट्रेट मोड इस फोन का सीरियसली यार काफी अच्छा लगा है मुझे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि किस फोन के साथ आप कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो नोकिया 7.1 प्लस का। मैं बहुत जल्द कैमरा कंपैरिजन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोन मैंने कैसे परचेज़ करा और कितने का परचेज़ करा। तो मेरा कोई नोन था चाइना में जिनसे मैंने नोकिया 7.1 प्लस मंगवाया। 6 GB रैम मॉडल मार्केट में अवेलेबल था, जो उनको 23,000 रुपीज़ का पड़ा। ये प्राइस मैं आपको इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। अगर 4 GB रैम मॉडल की बात करें तो चाइना में 18 से 19,000 रुपीज़ का मिल जाता है, बट जब मैंने परचेज करना था तब वो फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक था। तो 6 GB रैम का प्राइस 23,000 रुपीज़ है। इंडिया में ये फ़ोन किस प्राइस पर लॉन्च करता है नोकिया, ये देखने वाली बात होगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 4 GB रैम मॉडल का 20,000 के हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।